पहाड़ों के टूटने से क्या होता है, रिगोलिथ का निर्माण होता है, और रिगोलिथ से आगे चल के वास्तविक जो मृदा है उसका निर्माण होता है। पहाड़ है, पहाड़ों के अवशेष की वेदरिंग हुई, उससे क्या हुआ, रिगोलिथ। रिगोलिथ का मतलब इसका वो कहां पे जाना स्टार्ट हो जाता है, नीचे की ओर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि जो संतृप्त मृदा है उसमें क्या होता है, पानी नीचे की ओर जैसे यहाँ पे भर गया, उसके बाद निचले संस्तरों में जाना स्टार्ट हो जाएगा, उसको अपने क्या बोलते हैं, अंतःश्रवण बोलते हैं। और अगर यही प्रक्रिया असंतृप्त मृदा में होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपने, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। संतृप्त मृदा में अगर ये प्रक्रिया होती है, संतृप्त मृदा में जल नीचे की ओर गति करता है, निचले संस्तरों में। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम नवजोत सिंह है और मैं आप सभी का सोलट्री के ई प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें अपने बात करेंगे एग्रीकल्चर के बहुत ही सामान्य टॉपिक मृदा विज्ञान या सोयल साइंस के बारे में, मृदा विज्ञान। क्योंकि जो मृदा है वो क्या है, एग्रीकल्चर का क्या आधार है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो खेती है वो मृदा के बिना करनी संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए मृदा विज्ञान है क्या। तो मृदा विज्ञान एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर क्या किया जाता है, मृदा का विस्तृत अध्ययन या वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब मृदा विज्ञान के जनक जो है किसे कहा जाता है, अगर पूछे जाए मृदा विज्ञान के जनक, तो वी डेकुचेव को मृदा विज्ञान के जनक कहा जाता है। मृदा विज्ञान के जनक वी डेकुचेव को कहा जाता है। और अगर पूछ ले मृदा रसायन के जनक किसे कहा जाता है, मृदा रसायन, तो मृदा रसायन के जनक किसे कहा जाता है, जे बी लेबिंग को कहा जाता है। दोबारा देख लो, मृदा विज्ञान के जनक वी डेकुचेव को कहा जाता है, और मृदा रसायन सोयल केमिस्ट्री के जनक पूछ लिया जाए तो किसे कहा जाता है, जे बी लेबिंग को कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं मृदा विज्ञान जो है, अगर अपने इसको विस्तृत अध्ययन करना है इसका, तो इसको जो आगे है दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। मृदा विज्ञान का विस्तृत या वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए इसको क्या कर दिया, दो शाखाओं में विभाजित कर दिया। तो वो शाखाएं कौन कौन सी है, पेडोलॉजी, और दूसरी बात करें तो इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी किसकी शाखाएं हैं, मृदा विज्ञान की शाखाएं हैं। अब पेडोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, तो जो मृदा की उत्पत्ति व वर्गीकरण का अध्ययन किसमें किया जाता है, पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मृदा की उत्पत्ति व वर्गीकरण का अध्ययन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ये मृदा की उत्पत्ति या वर्गीकरण का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है, पेडोलॉजी डेफोलॉजी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो किसमें किया जाता है, पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और डेफोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, जो मृदा है, मृदा का फसल के साथ क्या संबंध है, उसका अध्ययन किसमें करते हैं अपने, इडेफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मृदा का फसल के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। संबंध का अध्ययन कैसे, जैसे मान लो ये अपना पौधा है, ये अपनी मृदा है। अब इसमें पौधा है और मृदा है, इसके बीच में जो संबंध है, इसके जो संबंध है दोनों के बीच का, तो उसका जैसे मान लो पोषक तत्व की उपलब्धता, पोषक तत्व की उपलब्धता, और मृदा उर्वरकता, उत्पादकता आदि का अध्ययन अपने किस कौन सी शाखा में करते हैं, तो इडेफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और मृदा की उत्पत्ति यानी कि वर्गीकरण यानी कि उसके पैतृक पदार्थ आदि का अध्ययन अपने किस में करते हैं, किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी दोनों ही कौन सी भाषा के शब्द है, तो दोनों ही कौन सी भाषा के शब्द है, ग्रीक भाषा के शब्द है।
पेडोलॉजी जिस शब्द के पीछे लोजी नोमी या वाई लगा होता है वह कौन सी भाषा का शब्द होता है? ग्रीक भाषा का शब्द होता है, ठीक है, जिसके पीछे लोजी नोमी या जिस शब्द के पीछे वाई लगा होता है वो सारे के सारे कौन सी भाषा के शब्द होते हैं? ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। इसका एक अपवाद है, वो कौन सा है? तो वो पोमोलॉजी। जो पोमोलॉजी शब्द है, ठीक है, ये क्या है? कौन सी भाषा के शब्द है? लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं से मिलके बना हुआ है। जो पोमोलॉजी शब्द है, पोमोलॉजी के अंदर जो पोमो शब्द है, पोमो का अर्थ होता है फल और लॉजी का अर्थ अध्ययन करना, तो पोमोलॉजी जो शब्द है, अब जो पोमो शब्द है यह कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। और जो लॉजी शब्द है वह कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो पोमोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए पोमोलॉजी शब्द है लैटिन ग्रीक संस्कृत या इंग्लिश, इस तरीके के ऑप्शन आ जाए, तो जो प्रधान है, प्रधान का मतलब ये पोमो है, पोमो क्या है? एक विशेषता प्रकट कर रहा है, किसकी? फल की। तो जो प्रधान शब्द है यानी कि जो विशेष शब्द है उसी को माना जाएगा। तो इसका जो पूछ लीजिए पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो सही कौन सा माना जाएगा? लेटिन जो है सही माना जाएगा। इसके बाद में ये दो ब्रांचेज है, दोबारा देख लो, मृदा विज्ञान के जनक वीवी डेकुजेव को कहा जाता है, मृदा रसायन के जनक जे बी लेबिंग को कहा जाता है, और मृदा विज्ञान की जो दो शाखाएं हैं कौन कौन सी है? पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी, ठीक है। इसमें एक मृदा की एक सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? मृदा की सबसे छोटी इकाई, मृदा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? पेडोन को कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भी पूछ लिया जाता है, मृदा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो पेडोन को कहा जाता है, यानी कि पेडोन के अंदर भी वो सारे के सारे गुण होते हैं जो एक मृदा के अंदर होते हैं, यानी कि पौधे का विकास करने में जो जितने भी गुण होते हैं या जो भी पोषक तत्व होते हैं वो पेडोन के अंदर पाए जाते हैं, एक इकाई के रूप में इसको माना जाता है पेडोन को। तो इसके बाद आगे चलते हैं अपने, अब बात करते हैं हमने सोयल शब्द की। तो जो सोयल शब्द है वह कौन सी भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो सोलम शब्द से लिया गया है। सोयल शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? फ्लोर या फर्श होता है। अभी दोबारा देख लो, सोयल शब्द है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? फ्लोर या फर्श होता है। इसके बाद में आगे अपने बात करते हैं मृदा परिषेदिका की। उससे पहले चलो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक भी बता दूं मृदा परिषेदिका से पहले। अब देखो जो मृदा है, मृदा शब्द है, ठीक है, और एक शब्द होता है भूमि शब्द, मृदा और भूमि, ये दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, मृदा और भूमि। तो ये देख लो आप, मृदा क्या होती है और भूमि क्या होती है। ये अपनी मान लो पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर का आवरण, पृथ्वी के चारों ओर का आवरण जो होता है उसको क्या बोलते हैं? भूमि बोलते हैं या भूभाग बोला जाता है। अब मृदा क्या है? मृदा क्या है? भूमि का एक हिस्सा है, मृदा भूमि का एक पार्ट है, ठीक है, जिसपे अपने क्या करते हैं? अंतरशस्य क्रियाएं या कृषि क्रियाएं की जाती है, किसान द्वारा जिसपे अंतरशस्य या कृषि क्रियाएं की जाती है उसको अपने क्या बोलते हैं? मृदा कहते हैं। तो भूमि जो पृथ्वी के चारों ओर यानी कि जिसपे अंतरशस्य क्रियाएं की जाती है या जिसपे अंतरशस्य क्रियाएं नहीं भी की जाती, जैसे कि मान लो सड़कों का निर्माण, शहरों का निर्माण, ठीक है, मकान वगैरह बनते हैं, तो वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? लैंड या भूमि के अंतर्गत
आते हैं। और जो मर्दा होती है, मर्दा की विमाएं पूछ लिया जाए कितनी विमाएं होती है, तो मर्दा त्रिविमे होती है, यानी कि तीन विमाएं होती है। कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई और गहराई। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, यानी कि अगर अपने को कोई मर्दा खरीदनी है तो उसमें अपने मर्दा की लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी क्या देखी जाती है? गहराई भी देखी जाती है। इसकी जो गहराई है कितनी, नीचे कोई परत, कठोर परत तो नहीं है, कि अपने जो खेती करेंगे उसमें अंतराशीय ग्रह निराई गुड़ाई सही ढंग से हो रही है या नहीं हो रही, तो उसके लिए अपने उसकी गहराई भी चेक करते हैं। ठीक है, और जो शस्य विज्ञान की जो फसलें होती हैं, शस्य विज्ञान की जो फसलें होती हैं, उनके लिए जो मर्दा की गहराई कितनी होनी चाहिए? कम से कम 15 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो एग्रोनॉमी या शस्य विज्ञान की जो फसलें हैं, जैसे अपने गेहूं धान वगैरह उगाना है, तो उसके लिए कम से कम जो मर्दा की जो गहराई है वो कितनी होनी चाहिए? 15 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं अपने अगर उद्यान विज्ञान की बात करें, उद्यान विज्ञान के अंदर क्या आते हैं अभी? फल फूल आते हैं ना, तो जो फलों की जैसे अपने खेती करनी है, किन्नू वगैरह संतरा वगैरह लगाना है या आम वगैरह लगाना है, तो उसके लिए अपने जो भूमि की जो गहराई है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए। भी दोनों देख लो, शस्य विज्ञान की फसलों के लिए मर्दा की गहराई 15 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उद्यान विज्ञान की फसलों के लिए गहराई कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर कम से कम होनी चाहिए। इसके बाद आगे बात करते हैं अपने मर्दा परिच्छेदिका की। मर्दा परिच्छेदिका, मर्दा परिच्छेदिका क्या होती है? तो देखो भाई, ये अपनी मर्दा है, ठीक है, मर्दा में खड़ी कटान लगाने पे, मर्दा में खड़ी कटान लगाने पे विभिन्न प्रकार के शस्त्र दिखाई देते हैं। इन शस्त्रों के समूह को क्या कहा जाता है? मर्दा परिच्छेदिका कहा जाता है। दोबारा देख लो, मर्दा में खड़ी कटान लगाने पे विभिन्न प्रकार के शस्त्र दिखाई देते हैं। इन शस्त्रों के समूह को क्या बोला जाता है? मर्दा परिच्छेदिका कहा जाता है। देखो, जो अपने मर्दा है, मर्दा का जो निर्माण है वो बहुत ही एक धीमी प्रक्रिया होती है। जैसे अपने जो आपने सुना होगा, जो मर्दा है, मर्दा का निर्माण किससे हुआ है? पहाड़ों से हुआ है, ठीक है। तो पहाड़ों की एक प्रकृति होती है कि पहाड़ क्या है, धीरे धीरे पहाड़ों का अपक्षय होता रहता है। पहाड़ जो होते हैं उसका, जैसे बारिश आ गई या कोई भी आ गई, तो उसका क्या है, जो उसमें वेदरिंग होती है, यानी कि उसका अपक्षय टूटते रहते हैं पहाड़। तो टूटने से क्या होता है? रिगोलिथ का निर्माण होता है। पहाड़ों के टूटने से क्या होता है? रिगोलिथ का निर्माण होता है। और रिगोलिथ से आगे चल के वास्तविक जो मर्दा है उसका निर्माण होता है। पहाड़ है, पहाड़ों के अवशय से इसकी वेदरिंग हुई, उससे क्या हुआ? रिगोलिथ। रिगोलिथ का मतलब इसको अपने पैतृक पदार्थ भी कह सकते हैं, पैतृक पदार्थ, ठीक है। तो रिगोलिथ का निर्माण हुआ। अब रिगोलिथ से जो मर्दा निर्माण में भाग लेने वाले कारक जो हैं, ठीक है, जो मुख्य कारक होते हैं उनके, या सूक्ष्म जीव जो होते हैं, तो उनसे क्या होता है? मर्दा का निर्माण होता है। जो इसमें कौन कौन से, जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट जो होता है, एक लाइकेन का अगर नाम सुना हो तो आपने, तो लाइकेन होता है। एक लाइकेन क्या होता है? जो एक एल्गी यानी कि शैवाल प्लस साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया दोनों क्या करते हैं? सहजीवन यानी कि साथ में जीवन यापन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लाइकेन कहते हैं। दोबारा सुन लो, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो एक साथ यानी कि लिविंग में रहते हैं और जो अपना जीवन यापन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। अब ये जो रिगोलिथ है, ठीक है, रिगोलिथ के जो अपने, ये मान लो रिगोलिथ के ऊपर क्या है?
इसके ऊपर ये लाइकेन सूक्ष्म जीव है, ठीक है, ये अपना जो रिगोलिथ है इसके ऊपर आके अपना जीवन यापन करते हैं। और ये जो लाइकेन है ये अपनी तह से क्या छोड़ते हैं, अम्ल का स्त्राव करते हैं। किसका स्त्राव करते हैं? अम्ल का स्त्राव करते हैं। अम्ल के स्त्राव होने से जो ये जो पत्थर है, पत्थरों का अपक्षय होने लगता है और टूटने लगते हैं और मृदा निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे अम्ल का स्त्राव हुआ, धीरे धीरे करके यहाँ पे कोई और वनस्पति उगी, ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके और किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। और एक इंच अगर मृदा का निर्माण होने में कितना समय लगता है, तो लगभग 1000 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। तो इतनी लंबी जो प्रक्रिया होती है, अब अपने बात कर रहे थे मृदा परिच्छेदिका की, तो चलते हैं मृदा परिच्छेदिका पे। तो मृदा है, मृदा में खड़ी कटान लगाने पे विभिन्न प्रकार के शस्त्र दिखाई देते हैं, इन शस्त्रों के समूह को ही क्या बोलते हैं, मृदा परिच्छेदिका बोलते हैं। अब जो मृदा परिच्छेदिका में मुख्य शस्त्र कितने पाए जाते हैं, अभी 5 शस्त्र पाए जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर मृदा परिच्छेदिका में मुख्यतः कितने शस्त्र पाए जाते हैं, तो 5 शस्त्र पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ओ शस्त्र, ए शस्त्र, ई शस्त्र, बी शस्त्र और सी शस्त्र। इसके बाद क्या आ जाती है, रोक आ जाती है या चट्टान आ जाती है, इसको आर शस्त्र भी बोला जाता है। मुख्यतः कितने पाए जाते हैं, 5 शस्त्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? ओ, ए, ई, बी और सी शस्त्र पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपने ए ओ शस्त्र की। ओ शस्त्र क्या है, सबसे ऊपरी शस्त्र होता है इसका, जो ये मुख्य है, लेकिन आगे भी ये डिवाइडेशन होते रहते हैं। जो ओ शस्त्र है जैसे ओ ई, ओ आई, ओ ए, ठीक है, तो ये आगे इनकी डिवाइडेशन होते रहते हैं आगे, लेकिन अपने को ये मुख्यतः 5 शस्त्र याद रखने। कौन कौन से? ओ ए, ई, बी और सी शस्त्र। ओ शस्त्र जो होता है सबसे ऊपरी शस्त्र होता है, जिसको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक या कार्बनिक शस्त्र कहा जाता है, कार्बनिक शस्त्र। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ओ शस्त्र है वो जंगलों का जो क्षेत्र होता है वहां पे ही उपस्थित होता है, सामान्य जो कृषि की जो भूमि है उसमें नहीं पाया जाता। दोबारा सुन लो, ओ शस्त्र है जो वह अधिक वन वाले क्षेत्रों यानी कि जैसे कि जंगलों आदि में उपस्थित होता है, जो सामान्य कृषि क्षेत्र की जो मृदाएं हैं उसमें ओ शस्त्र क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। और इसमें जो जो ओ ए शस्त्र है जिसमें यहाँ पे क्या होता है, जैसे अब जंगलों वाले शस्त्रों में कैसे पाया जाता है, तो ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे ये अपना जंगल है इसी में क्यों पाया जाता है, तो जो ओ शस्त्र है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक शस्त्र। ऑर्गेनिक का मतलब जो पेड़ पौधे हैं, जो क्या है, अपने जंगलों के अंदर पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं, फूल है या फल है, ये क्या करते हैं, भूमि पे आके गिरते हैं। अब भूमि के आके गिरने से क्या होती है, यहाँ पे भूमि पे एक परत का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले जो परत का निर्माण हुआ, ये अगर आप आगे डिवाइडेशन की बात करें तो इसको बोलते हैं ओ ई शस्त्र, ठीक है। अब इसमें क्या होने लग गया, जैसे ही ये पानी के संपर्क में आएगा, नमी के संपर्क में आएंगे पत्तियां वगैरह, फूल वगैरह, तो इसका क्या होना लग जाएगा, अपघटन स्टार्ट हो जाएगा। अपघटन यानी कि ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया होने लग जाएगी। तो जो धीरे धीरे, जैसे मान लो इसका आधा अपघटन हो गया, तो ये कौन से शस्त्र में चेंज हो जाएगा, ओ आई शस्त्र में चेंज हो जाएगा। और जिसका जो अपने ऑर्गेनिक जो मैटर है, फूल है, पत्तियां है, इनका जब पूर्णतः अपघटन हो जाता है, पूर्णतः अपघटन हो जाता है, तो ये कौन से शस्त्र में चेंज हो जाता है, ओ ए शस्त्र में चेंज हो जाता है। अब जो ये ओ ए शस्त्र होता है, यानी कि जब जो ये कार्बनिक पदार्थ है इसका पूर्णतः अपघटन हो जाता है, तो ये जो परत का निर्माण होता है ये अपने को नग्न आंखों से इसको नहीं देख सकते, इसको सिर्फ सूक्ष्म दर्शी द्वारा ही देखा जाता है। यानी कि ये बहुत ही, इसका अपघटन होने से ये बहुत ही पतली परत के रूप में मृदा के ऊपर फैल जाता है और इसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। कौन से शस्त्र को? ओ ए शस्त्र को, ठीक है। तो इसके आगे अपने बात करते हैं ए शस्त्र की।
ए शस्त्र क्या होता है जो कृषि क्षेत्र की जो मर्दाएं हैं, कृषि क्षेत्र की मर्दा, कृषि क्षेत्र की मर्दा में सबसे ऊपरी शस्त्र कौन सा होता है? ए शस्त्र होता है, ठीक है। और ए शस्त्र में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस, ये सारे के सारे किसमें सर्वाधिक पाए जाते हैं? ए शस्त्र के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ये जो अपनी मर्दा है, ठीक है, जिसपे अपने क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो इसका जो ये ऊपरी शस्त्र होता है यही क्या होता है? ए शस्त्र होता है। और इसमें क्या है, सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ या पोषक तत्व या खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। आपने देखा ही होगा जैसे कई बार जो जैसे ऊंची जमीन होती है जिनके जो पानी जो उठा के लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर उसमें से क्या है मिट्टी को अपने क्या उठा देते हैं वहां से, तो वहां पे 2 से 3 साल तक फसल कम होने लग जाती है। यानी कि इसमें जो ये मिट्टी थी इसको मान लो 1 फुट यहाँ से उठा दिया, तो उसके बाद जो इसमें 2 से 3 साल तक क्या होगी फसल, जो उसका जो प्रोडक्शन था वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें पोषक तत्व थे, कार्बनिक पदार्थ थे, वो कौन से शस्त्र में थे? ए शस्त्र में थे, यानी कि ऊपरी भाग में सबसे ज्यादा थे, इसको अपने हटा दिया और नीचे वाला जो भाग है उसमें क्या है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो गई, तो उससे क्या हो जाती है उसकी फर्टिलिटी यानी कि उर्वरकता कम हो जाती है, और उसमें को अपने क्या देते हैं बाद में FYM या वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालते हैं, ठीक है, गोबर की खाद वगैरह का उपयोग करते हैं, धीरे धीरे उसकी जो वापस उर्वरकता कंट्रोल होने लग जाती है मृदा की। तो ये जो ऊपरी शस्त्र होता है ए शस्त्र, ठीक है, इसमें क्या होता है खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस सर्वाधिक होती है। अब बात करते हैं अपने ई शस्त्र। तो वैसे तो जो ई शस्त्र होता है वो ए शस्त्र का ही भाग होता है, ठीक है, लेकिन इसको अलग करने का एक रीजन है क्योंकि जो ई शस्त्र इसको डिवाइडेशन किया गया है तो वो एक आधार पे किया गया है, तो किसके कौन से आधार पे किया गया था, तो जो इसको निच्छालन शस्त्र बोला जाता है, निच्छालन शस्त्र, ठीक है, या इसे एल्यूवियल शस्त्र भी कहा जाता है, एल्यूवियल शस्त्र, ठीक है, ई शस्त्र, निच्छालन शस्त्र या एल्यूवियल शस्त्र क्यों कहा जाता है? तो जो इसमें जो फेरस व एल्यूमिनियम के आयन होते हैं, ठीक है, फेरस व एल्यूमिनियम के आयन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चेंज होके, जिसको बोलते हैं सक्सवी ऑक्साइड, तो जल के साथ घुल के निचले शस्त्रों में चले जाते हैं, ठीक है। निचले शस्त्रों में कौन से शस्त्र में आ जाते हैं? तो बी शस्त्र के अंदर आके और इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं, यहां से जैसे मान लो ये लवण है ये चल के यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए, तो ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं वॉशिंग आउट, और जहां पे इकट्ठे होते हैं यानी कि जहां पे निक्षेपित होते हैं उसको बोलते हैं वॉशिंग इन, ठीक है। तो ये कौन से शस्त्र में आके इकट्ठे होते हैं? तो बी शस्त्र के अंतर्गत इकट्ठे होते हैं। तो पूछ लिया जाए भी फेरस व एल्यूमिनियम आयन कौन से शस्त्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो बी शस्त्र के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अपने एल्यूमिनियम व फेरस के जो आयन है वो जल के साथ घुल के निचले शस्त्रों में आ जाते हैं। अब अपने को ये भी पता होना चाहिए, एक तो देखो मैंने बोला निच्छालन, इंग्लिश में बोलते हैं लीचिंग, एक तो होता है निच्छालन, एक होता है अंतःश्रवण, एक होता है अंतः स्यंदन, अंतः स्यंदन जो होता है इसको क्या बोलते हैं? अंतःश्रवण को बोलते हैं परकोलेशन, अंतःश्रवण को क्या बोलते हैं? परकोलेशन, और अंतःस्यंदन को क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन। ये 3 टर्में जो ज्यादातर यूज होती है जो अपने मर्दा के अंदर, ठीक है, ये तीनों टर्में किसमें यूज होती है? जैसे जो भी पोषक तत्व है वो नीचे चलते हैं,
उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन टर्म जो होती है टर्मोलॉजी, ये ज्यादातर काम में आती है। तो अपने को ये तीनों पता होने चाहिए भी होती क्या है। अब देख लो, निक्षालन क्या होता है, जो ये अपने बात की थी अभी, फेरस व एल्यूमिनियम के आयन जल के साथ घुल के निचले संस्तरों में चले जाते हैं, यानी कि निक्षालन हो जाता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, निक्षालन शस्त्र बोलते हैं। तो यहां से आपको पता चल गया होगा निक्षालन या लीचिंग क्या होती है, कि जो लवण है, लवण जल के साथ घुल के निचले संस्तरों में जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, निक्षालन या लीचिंग कहते हैं, ठीक है। लवणों का जल के साथ घुल के निचले संस्तरों में जाना क्या कहलाता है, निक्षालन कहलाता है। अब अंतःश्रवण या पर्कोलेशन, अंतःश्रवण या पर्कोलेशन, तो जो अपने संतृप्त मृदा होती है, कौन सी मृदा, संतृप्त मृदा। तो जो संतृप्त मृदा होती क्या है, देखो ये अपना खेत है, इसमें अपने क्या दिया, पानी दिया, ठीक है, पानी दिया। तो इसमें जो क्या होता है, एक तो ठोस भाग होता है, जो मृदा होती है, मृदा में ठोस भाग और रंध्र अवकाश पाए जाते हैं। तो जैसे ही पानी दिया, तो पानी कहाँ पे जाएगा, जो मृदा के अंदर रंध्र अवकाश पाए जाते हैं उसके अंदर चला जाएगा। और जब पूर्णतः मृदा के जो रंध्र अवकाश है वो भर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं संतृप्त मृदा। यानी कि जो मृदा है, मृदा के अंदर जितना रिक्त स्थान था उसमें जल भर गया, और जैसे रंध्र अवकाश था पहले, तो क्या होती है इसमें ज्यादातर 25% जल और 25% वायु होती है। तो जब इसमें ये जो वायु वाले स्थान है, इसमें भी क्या आ गया, जल भर गया, पूर्णतः जल भर गया मर्दा के अंदर, तो उसको बोलते हैं संतृप्त मर्दा। अब संतृप्त मर्दा जो है, ठीक है, ये संतृप्त मर्दा है। इसके बाद जो पानी है वो कहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाता है, नीचे की ओर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि जो संतृप्त मर्दा है उसमें क्या होता है, पानी नीचे की ओर जैसे यहाँ पे भर गया, उसके बाद निचले शस्त्रों में जाना स्टार्ट हो जाएगा, उसको अपने क्या बोलते हैं, अंतःश्रवण बोलते हैं। और अगर यही प्रक्रिया असंतृप्त मृदा में होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपने इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। संतृप्त मृदा में अगर ये प्रक्रिया होती है, संतृप्त मृदा में जल नीचे की ओर गति करता है, निचले संस्तरों में जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, परकोलेशन। और अगर असंतृप्त मृदा, यानी कि अगर मान लो ये अपने मृदा है, इसमें क्या हुआ, पानी डाला, तो पानी पूर्णतः यहाँ पे भरा नहीं मर्दा खेत के अंदर, और फिर भी नीचे जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपने इनफिल्ट्रेशन, यानी कि अंतःसंयंदन। और जो इनफिल्ट्रेशन की दर जो होती है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा कौन सी मर्दा की होती है, तो बलुई मिट्टी होती है, यानी कि बालू जो मर्दा होती है उसकी अंतःसंयंदन या इनफिल्ट्रेशन दर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे ही अपने पानी डालते हैं, तो पानी क्या है, नीचे की ओर गति करने लग जाता है। अपने देखते हैं ना, अभी जो रेता होता है, रेते में अपने जैसे आज पानी दिया तो अगले दिन क्या है, ऊपर से सूख जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, वो निचले शस्त्रों में अधिक गति करता है, उसको क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो आज अपने बात कर रहे थे ई शस्त्र, निचालन शस्त्र, ठीक है, ये हो गया था। इसमें क्या, एल्यूमिनियम या फेरस के आयन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके निचले शस्त्रों में आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसको जो जो जिस शस्त्र में इकट्ठे होते हैं, वो शस्त्र कौन सा होता है, बी शस्त्र होता है। उसके बाद सी शस्त्र, सी शस्त्र क्या होता है, जो पैतृक पदार्थ है मर्दा का, पैतृक पदार्थ या मूल पदार्थ, पैतृक पदार्थ या मूल पदार्थ, ठीक है, जिससे क्या होता है, मर्दा का निर्माण होता है, वह कौन से शस्त्र में पाया जाता है, पूछ लिया जाए तो सी शस्त्र के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। या अगर ऐसे पूछा जाए भी ए व बी शस्त्र का निर्माण किससे होता है, तो सी शस्त्र से होता है। कैसे होता है, तो जैसे मान लो ये अपने, ये पहले सबसे पहले मर्दा का निर्माण कैसे होता है, ये पहाड़ से आपको बताया था पहले, इसका अपघटन से ये ऊपर, ये मान लो ये क्या है, इसका पैतृक पदार्थ है पहाड़, ठीक है। अब पैतृक पदार्थ से मर्दा का निर्माण होगा, तो यहाँ पे जैसे धीरे धीरे अपघटन होता गया, अपघटन होता गया, तो यहाँ पे कौन से शस्त्र का निर्माण हुआ, ए शस्त्र और बी शस्त्र का निर्माण हुआ। अब ये नीचे वाला कौन सा शस्त्र है, जो पैतृक पदार्थ है, इसी की तो अपने बात कर रहे हैं कि पैतृक पदार्थ से ही कौन से शस्त्र का निर्माण होता है, ए और बी शस्त्र का निर्माण होता है। और जो ए और बी शस्त्र है,
जो वास्तविक जो मर्दा यानी कि सत्य मर्दा जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, ए और बी शास्त्र को, इसको क्या कहा जाता है, सोलम कहा जाता है। ए और बी शास्त्र को सोलम कहा जाता है, और ए बी और सी शास्त्रों के समूह को क्या बोला जाता है, ए बी और सी यानी कि ये पूरे के पूरे भाग को क्या कहा जाता है, यहां पे लिख देता हूं, रिगोलित कहा जाता है। ठीक है, अभी अपने रिगोलित की बात की थी पहले, ठीक है, तो रिगोलित ये ए बी और सी शास्त्रों के समूह को रिगोलित कहते हैं, और ए बी शास्त्रों के इस समूह को क्या बोलते हैं, सोलम कहा जाता है। तो ये अपनी हो गई भी मर्दा प्रोफाइल। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।